इंग्लैंड के खिलाफ तेज टीम में नहीं मिला मौका तो इस तेज गेंदबाज ने अजीत अगरकर को दिया मुंहतोड़ जवाब, मजबूत सौराष्ट्र के उड़ाए होश। अनुभवी तेज गेंदबाज को इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए घोषित भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। रणजी ट्रॉफी में अपनी घातक गेंदबाजी से चयनकर्ताओं को जवाब दिया और मजबूत सौराष्ट्र की स्थिति दयनीय कर दी। इस गेंदबाज ने चार विकेट लिए, जिसकी मदद से विदर्भ ने सौराष्ट्र को सिर्फ 206 रन पर आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के घातक तेज गेंदबाज उमेश यादव की। पारी के 25वें ओवर में उमेश यादव ने विश्वराज जडेजा को आउट कर विकेट का खाता खोला। तेज गेंदबाज ने कहर बरपाना जारी रखा और जल्द ही शेल्डन जैक्सन को ध्रुव शोरे के हाथों कैच आउट करा दिया। यादव यही नहीं रुके, यादव ने लगातार दो गेंदों पर अर्पित वासवद और प्रराक मानकर को अपना शिकार बनाया। यादव की घातक गेंदबाजी से सौराष्ट्र का स्कोर 153 पर 6 हो गया। उमेश यादव की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सटीक लाइन लेंथ और तेजी से गेंदबाजी करते थे। यादव ने अपनी दमदार गेंदबाजी से विदर्भ को आगे की सीट पर बिठा दिया। इसके अलावा आदित्य सरवटे और हर्ष दुबे ने दो दो विकेट लिए। आदित्य ठाकरे और यश ठाकुर को एक एक विकेट मिला। सौराष्ट्र को 206 रन पर आउट करने के बाद विदर्भ की पारी भी लड़खड़ा गई और दिन का खेल खत्म होने तक उसने 19 ओवर में 26 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। आपको बता दें कि उमेश यादव ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 116 मैचों में 356 विकेट लिए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उमेश यादव ने 57 टेस्ट मैचों में 170 विकेट लिए हैं।